अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने पढ़ा था पैरेलल सीरीज रेजोनेंस सर्किट। तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट के अंदर हमने एक तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट को देखा था, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड की थी, और उसके बाद हमने रेजोनेंस कंडीशन पर उस सीरीज रेजोनेंस सर्किट की कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलसी पैरेलल सर्किट या पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। वहां आपने रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट किया था, तो यहां हम इंडक्टर और रेजिस्टर को पैरेलल कनेक्ट करेंगे। पैरेलल कनेक्ट करने के बाद हम इसकी रेजोनेंस कंडीशन फाइंड करेंगे। रेजोनेंस कंडीशन फाइंड करने के बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, जिस तरह से हमने सीरीज रेजोनेंस सर्किट के अंदर प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। तो टॉपिक की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो डियर स्टूडेंट, चलते हैं हम पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। तो सबसे पहले हम इस पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की डायग्राम बनाते हैं। तो इसमें हमें चाहिए है एक इंडक्टर और दूसरा हमें चाहिए है एक कैपेसिटर। तो ये हमने एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर को क्या किया है, पैरेलल प्लेस कर दिया, और इन दोनों को, इंडक्टर और कैपेसिटर को, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ हमने पैरेलल कनेक्ट कर दिया। तो डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास जो वोल्टेज है, इस इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज होगा वो सेम होगा। जो चीज डिफरेंट होगी वो आपके पास करंट होगी। तो कैपेसिटर के क्रॉस करंट जो है ये आपके पास होगा V और XC, और इंडक्टर के क्रॉस जो करंट होगा वो आपके पास होगा V और XL। तो दोनों करंट्स आपके पास मौजूद हैं। अगर बच्चों हम इस इंडक्टर की बात करते हैं, तो हमने कहा था कि इंडक्टर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा कंपोनेंट है जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस बहुत ज्यादा होती है और नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंडक्टर जो है, इट ऑफर वेरी स्मॉल नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस भी ऑफर करेगा। तो डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इनकी फेज डायग्राम की और फाइंड करते हैं रेजोनेंस कंडीशन। देखिए, हमारे पास उसी तरह से यहां पर जो आपके पास करंट क्रॉस इंडक्टर और करंट क्रॉस कैपेसिटर, इन दोनों की बात करते हैं, तो अब आपके पास दोनों में जो चीज कॉमन है, जो चीज सेम है, और वो है वोल्टेज। इसका मतलब ये है कि हमने वोल्टेज को हॉरिजॉन्टल ड्रा करेंगे हम। ये हमारे पास आ गया वोल्टेज का वेक्टर, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज का वेक्टर, और इसी तरह से यहां पर हम ड्रा करेंगे करंट क्रॉस कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर जो करंट है वो क्या करता है, लीड करता है, और यहां हम ड्रा करेंगे करंट अक्रॉस इंडक्टर, क्योंकि इंडक्टर के अंदर करंट लैग करता है। तो इस तरह से हमने इनकी जो वेक्टर डायग्राम बनाई है, तो उस वेक्टर डायग्राम के मुताबिक हमारे पास करंट अक्रॉस इंडक्टर, करंट अक्रॉस कैपेसिटर, इन दोनों को अगर हम देखें तो कैपेसिटर का करंट वोल्टेज से लीड कर रहा है और इंडक्टर का करंट वोल्टेज से लैग कर रहा है। तो वो जो हमने अलग-अलग एसी थ्रू कैपेसिटर, एसी थ्रू इंडक्टर पढ़ा था, तो ये बात वहां हमने डिस्कस कर ली है। अब जो बात ये है कि दोनों ही करंट्स, जैसे आपके पास अगर हम यहां पर लिखते हैं आई सी करंट अक्रॉस कैपेसिटर, दैट इज इक्वल टू वी ओवर, इधर आपके पास है एक्ससी, एक्ससी जो था ये किसके बराबर था, वन ओवर ओमेगा सी, या इसको आप लिख सकते हैं आई सी इज इक्वल टू ओमेगा सी इंटू वी, और ओमेगा किसके बराबर है आपके पास, ओमेगा आपके पास बराबर है टू पाई एफ, और ये आ गया सी इंटू वी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास इस अल्टरनेटिंग करंट सोर्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ज्यादा इस कैपेसिटर में से करंट फ्लो करेगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं इंडक्टर की, ये हमारे पास कैपेसिटर था, तो इंडक्टर के अंदर आपके पास है आई एल इज इक्वल टू वी ओवर एक्स एल, एक्स एल की बजाय हम लिखते हैं ओमेगा एल, और जो ओमेगा है ये हमारे पास किसके बराबर है, टू पाई
f के बराबर है तो 2 पाई f l। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो करंट अक्रॉस इंडक्टर है ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो इन दोनों केसेस के अंदर हम कहते हैं एट हाई फ्रीक्वेंसी एट लो फ्रीक्वेंसी। तो जब हम लो फ्रीक्वेंसी रखेंगे, जब इंडक्टर और कैपेसिटर को पैरेलल जोड़ने पर आपने फ्रीक्वेंसी कम रखी, तो फ्रीक्वेंसी कम रखने से क्या होगा, इंडक्टर में से ज्यादा करंट फ्लो करेगा और कैपेसिटर में से करंट कम फ्लो करेगा। सो करंट अक्रॉस इंडक्टर इज ग्रेटर देन करंट अक्रॉस कैपेसिटर। इसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं एट हाई फ्रीक्वेंसी, अगर हम बात करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी की, तो हाई फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर कैपेसिटर में से करंट ज्यादा फ्लो करेगा और इंडक्टर में से करंट जो है वो कम करंट फ्लो करेगा। लेकिन हम एक ऐसी कंडीशन फाइंड करना चाह रहे हैं जिस कंडीशन पर हमारे पास कैपेसिटर और इंडक्टर इन दोनों के क्रॉस करंट इक्वल हो जाए। क्या करंट हो जाए, करंट इक्वल हो जाए, क्योंकि हमने देखा कि लो फ्रीक्वेंसी पर इंडक्टर में से करंट ज्यादा फ्लो करता है, हाई फ्रीक्वेंसी में कैपेसिटर में से करंट ज्यादा फ्लो करता है। तो हम वो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे और वो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसी फ्रीक्वेंसी को हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहना है। सो एट इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, एट इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं जहां पर एट विच जहां हमारे पास क्या हो, करंट अक्रॉस कैपेसिटर एंड करंट अक्रॉस इंडक्टर, ये क्या हो जाए आपके पास, ये बराबर हो जाए। और या फिर आप इसको यू लिखेंगे और xc इज इक्वल टू xl, xc किसके बराबर हो जाए, xl के बराबर हो जाए। तो जब ये दोनों अपोजिशंस इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि ये दोनों अपोजिशंस ही फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट हैं, तो जब आपके पास दोनों अपोजिशंस इक्वल हो जाएंगी, xl और xc इक्वल हो जाएंगी, तो इन दोनों के क्रॉस जो करंट होगा, करंट अक्रॉस कैपेसिटर करंट अक्रॉस इंडक्टर, ये भी इक्वल हो जाएगा। सो एट इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एट विच xc इज इक्वल टू xl या ic इज इक्वल टू il, तो क्या होगा, कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसे क्या कहेंगे हम, कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसको हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे f, r से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरह से आपके पास xc जो है 1 ओवर ओमेगा c के बराबर है, xl आपके पास ओमेगा l के बराबर है, तो ओमेगा को एक साइड पे ले जाएं, ये बन गया आपके पास ओमेगा स्क्वायर, और ये जो lc है 1 ओवर lc हो गया। इसी तरह से फिर ओमेगा दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर lc स्क्वायर रूट आ गया। और ओमेगा किसके बराबर है, 2 पाई f, तो ये 1 ओवर lc स्क्वायर रूट, या फिर आपके पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1 ओवर 2 पाई lc स्क्वायर रूट के बराबर है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आ गई, वही रिलेशन आपके पास आ गया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का जो आपने सीरीज के अंदर पढ़ा था। अब जो अगली जो बात है वो ये है कि क्योंकि हमारे पास इंडक्टर और कैपेसिटर इन दोनों के क्रॉस करंट इक्वल है, लेकिन अगर आप देखें तो ये दोनों आपस में क्या है, ऑपोजिट भी है, 180 का फेज डिफरेंस है। तो आप लिखेंगे कि आपके पास करंट क्रॉस इंडक्टर एंड करंट क्रॉस कैपेसिटर आर इक्वल, सो एंड ऑपोजिट, एंड ऑपोजिट टू ईच अदर, ऑपोजिट टू ईच अदर। अब करंट इक्वल भी है और एक दूसरे के लिहाज से ऑपोजिट भी है, जब इक्वल है और ऑपोजिट है इसका मतलब सो कैंसल ईच अदर। तो ये दोनों करंट्स क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसल करेंगे, और सो नो करंट पास थ्रो, नो करंट पास थ्रो सर्किट, तो जिसकी वजह से क्या होगा, सर्किट में से करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया है, कैंसल कर दिया है। सो नो करंट पास थ्रो इंडक्टर। लेकिन हमने कहा था कि इंडक्टर ये कुछ रेजिस्टेंस भी ऑफर करता है, तो इसका मतलब ये होगा
के वेयर वेरी स्मॉल करंट पास थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर तो वो जो इंडक्टर की नेगलिजिबल रेजिस्टेंस है उसमें से थोड़ा सा करंट फ्लो करेगा। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास है एलसी पैरेलल सर्किट और इससे रिलेटेड कुछ बातें। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं कि हमारे पास इस एलसी सर्किट की प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो जिस तरह से आपके पास सीरीज रेजोनेंस सर्किट में आपने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड की, इसी तरह से इसमें भी आपने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड की है। तो प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि एट रेजोनेंस, रेजोनेंस पर आपके पास जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ये है 1/2 pi LC square। पहली प्रॉपर्टी आपके पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है, 1/2 pi LC। ओके जी, अब जो देखिए करंट जो है वो मिनिमम है इस सर्किट में से, जो करंट फ्लो कर रहा है वो मिनिमम है। इसका मतलब ये होगा एट रेजोनेंस पर हमारे पास जो करंट है ये क्या है, मिनिमम है। करंट क्या हो गया, मिनिमम। अब करंट और इंपीडेंस के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है, ऑपोजिट है। इसका मतलब अगर करंट मिनिमम है तो इसकी जो इंपीडेंस है, इंपीडेंस क्या होगी हमारे पास, मैक्सिमम होगी। इंपीडेंस क्या होगी, मैक्सिमम। अब दूसरे नंबर पे रेजोनेंस कंडीशन पर करंट मिनिमम है और रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस इंपीडेंस आपके पास मैक्सिमम है। इसके बाद हम आते हैं अगले प्रॉपर्टी की तरफ और वो ये है आपके पास कि क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन पर करंट मिनिमम इंपीडेंस मैक्सिमम है और सर्किट बिहेव करता है एज अ रेजिस्टिव सर्किट। कौन सा है आपके पास, रेजिस्टिव सर्किट इज रेजिस्टिव। अगर सर्किट रेजिस्टिव है सो वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। वोल्टेज और करंट क्या है, एक दूसरे के हिसाब से इन फेज है। अगर दोनों इन फेज हैं तो इनके दरमियान जो एंगल है थीटा है वो क्या है, जीरो, क्योंकि रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट ये इन फेज होती हैं। और अगर इन फेज होती हैं तो हम यहां पर लिखेंगे कॉस ऑफ जीरो। कॉस जीरो किसके बराबर होगा, वन के। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो पावर फैक्टर है वो क्या है, वो वन है। ये तीसरी प्रॉपर्टी कि सर्किट आपके पास रेजिस्टिव है, सर्किट रेजिस्टिव है तो वोल्टेज और करंट इन फेज होंगे। वोल्टेज और करंट अगर इन फेज हैं तो इसका मतलब ये होगा कि पावर फैक्टर हमारे पास किसके बराबर होगा, वन के बराबर होगा। अब अच्छा, हमने देखा कि जब आपके पास लो फ्रीक्वेंसी थी, हम यहां पर ग्राफ बनाते हैं। यहां पर आपके पास एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी आ गया और वाई एक्सिस पर आपके पास आ गया करंट। तो आपने देखा कि लो फ्रीक्वेंसी पर इंडक्टर में से मैक्सिमम, कैपेसिटर में से जो है वो मिनिमम और इंडक्टर में से मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा था, और हाई फ्रीक्वेंसी पर हमारे पास ज्यादा से ज्यादा करंट जो था वो किसमें से फ्लो कर रहा था, कैपेसिटर में से, और लो फ्रीक्वेंसी पर करंट फ्लो कर रहा था इंडक्टर में से। तो हमने क्या किया, हमने एक ऐसी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी फाइंड की जहां पर इन दोनों करंट्स ने एक दूसरे को कैंसल कर दिया और ये वो थोड़ा सा करंट है जो उस रेजिस्टेंस की वजह से फ्लो कर रहा है। ये कहां पर आपने फाइंड किया है, ये ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसे हमने क्या नाम दिया, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का नाम दिया। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर आपके पास करंट हुआ मिनिमम ड्यू टू रेजिस्टिव सर्किट और इंपीडेंस हुई आपके पास मैक्सिमम। तो इस हिसाब से अगर हम बात करते हैं ब्रांच करंट की, तो आपके पास करंट क्रॉस कैपेसिटर एंड करंट क्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, क्योंकि ये दोनों के क्रॉस जो करंट डिसिपेशन है वो ज्यादा होगी, क्योंकि कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग का करंट और इंडक्टर जब इंड्यूस होता है तो उसका भी इंड्यूस करंट
ये दोनों भी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि करंट क्रॉस कैपेसिटर एंड करंट क्रॉस इंडक्टर इज क्या होगा, ये ग्रेटर होगा। किससे ग्रेटर होगा? ग्रेटर देन सोर्स वोल्टेज। तो ये सोर्स वोल्टेज से ग्रेटर होगा। तो इस हिसाब से हमारे पास ये पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की प्रॉपर्टीज, जैसे आपने पहली प्रॉपर्टी में कहा कि रेजोनेंस कंडीशन पर फ्रीक्वेंसी 1/2 πLC√ के बराबर होगा। रेजोनेंस पर करंट हमारे पास मिनिमम है क्योंकि इंपीडेंस हमारे पास क्या है, मैक्सिमम है। फिर आपने कहा सर्किट क्योंकि रेजिस्टिव है इसीलिए वोल्टेज और करंट इन फेज होंगे, जिससे पावर फैक्टर हमारे पास 1 आता है। इसके बाद आपने कहा कि हमारे पास क्योंकि कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों ही एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस हैं, तो इस हिसाब से क्या होगा कि दोनों के क्रॉस जो करंट है, करंट अक्रॉस कैपेसिटर, करंट अक्रॉस इंडक्टर, ये सोर्स करंट से ज्यादा होगा। डिस्टूडेंट, इसके बाद हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, 3-phase AC सप्लाई। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।